स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑल इन वन TET में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ऐसी बातें आ रही है निकल कर कि एक बार फिर से BPSC TRE 1-2 वाले शिक्षकों का होगा विद्यालय में योगदान, यानी कि उनके पूर्व के विद्यालय से लेकर उन्हें किसी और विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। जाने पूरा कारण इस संबंधित लेटर के द्वारा, सूचना के द्वारा, उससे पहले जो इस चैनल पर ने विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी बड़ी छोटी अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को सीधे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपर मुख्य सचिव KK पाठक के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि ऐसे विद्यालय जहाँ पे 9 उत्क्रमित स्कूल हैं, बच्चे नहीं भी आते हैं, तो वहाँ पे शिक्षकों की पूर्ण संख्या होनी चाहिए ताकि जब बच्चे पढ़ने के लिए आए, एक भी बच्चा पढ़ने के लिए आए, तो शिक्षक उसे वहाँ पे उपलब्ध मिले और वो उसे पढ़ा सके। तो राज्य में जिन 9 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में आगामी 30 सितंबर तक कोई भी छात्र 9वीं से 12वीं में का नामांकन नहीं होगा तो उसे बंद करने पर शिक्षा विभाग विचार करेगा तथा वहां के अध्यापक कहीं और पदस्थापित किए जाएंगे। इसी कारण से ऐसा कहा जा रहा है कि BPSC TRE 1-2 में बहाल जितने भी शिक्षक गण हैं उन सभी को ऐसा हो सकता है कि कहीं और पदस्थापित किया जाए। हालांकि वर्तमान में ऐसे छात्र विहीन 9 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में भी सभी विषय के अध्यापकों की पोस्टिंग होनी ताकि अपने छात्र नामांकन लेकर पढ़ाई शुरू कर सके। अध्यापकों की पोस्टिंग के बाद इन 9 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में नामांकन के लिए 30 सितंबर तक प्रचार प्रसार का गहन अभियान चलाया जाएगा। इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला अधिकारियों को दिए गए हैं। अपने निर्देश में अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने कहा, आप देख सकते हैं कि दाखिले को छात्र विहीन स्कूलों में भी होगी हर विषय के अध्यापकों की पोस्टिंग। नामांकन के लिए 30 सितंबर तक चलेगा प्रचार प्रसार का गहन अभियान। 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में एक भी छात्र आएंगे तो होगी पढ़ाई। दाखिला होने तक 9 पदस्थापित अध्यापक मूल मिडिल स्कूल में पढ़ाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।